तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो हम लोग पढ़ रहे थे बेटा BOC बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हम लोग काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जो हम लोग बिल्कुल रिदम से सीख रहे थे, बिल्कुल बेटा जीरो से हमने बात की थी। तो हम लोगों क्या हमने बताया था बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा आसान है। बस उसको क्या, एक स्टेप वाइज, एक ऑर्गेनाइज वे में हमको क्या करना बेटा, पढ़ना होता है उसको, ठीक है? तो हम लोग एक स्टेप वाइज जो है, स्टेप वाइज धीरे धीरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सीखते चल रहे हैं, और जिससे चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आसान होती चली जा रही हैं। आज के टॉपिक में, जो आज का क्लास है बेटा, आज के टॉपिक में हम लोग सीखेंगे होमोलॉगस सीरीज, और कुछ पॉइंट सीखेंगे केमिकल बॉन्डिंग के या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो यूज़ होते हैं बेटा। तो मैं उनको डिटेल में नहीं जाऊँगा, मैं उनकी लाइटली बात करूँगा। जैसे कि हमारे पास फोर्स होते हैं, जो फोर्स अवेलेबल होते हैं, मतलब जिनको हम लोग बॉन्ड बोलते हैं, एटम्स के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, बोलते हैं बॉन्ड्स बोलते हैं, ठीक है? तो हम लोग थोड़ा सा बॉन्ड्स के बारे में सीखेंगे, और थोड़ा बहुत हम लोग सीखेंगे बेटा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बारे में, ठीक है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बारे में सीखेंगे, कुछ बॉन्ड लेंथ की भी बात कर लेंगे, और कुछ बॉन्ड जो डायपोल फोर्स होता है पोलर। तो मैं वैसे ये कहूँगा कि ये टॉपिक हमारा केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड है, तो केमिकल बॉन्डिंग अच्छे से पढ़ी है बेटा, तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जो बेसिक हमारे टर्म्स हैं उसमें इसकी ज़रूरत पड़ती है बेटा, ठीक है? उसको अच्छी तरीके से समझने के लिए तो हम लोग वापस से चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा, क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अपना बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और आज का जो हमारा टॉपिक है, मेन टॉपिक बेटा क्या है, होमोलॉगस सीरीज, ठीक है? होमोलॉगस सीरीज, तो हम स्टार्ट करते हैं होमोलॉगस सीरीज। तो वैसे तो ये 10th में सभी लोगों ने अच्छी तरीके से पढ़ा होता बेटा होमोलॉगस सीरीज के बारे में, कि होमोलॉगस सीरीज क्या होती है, इसके बारे में सारी बातें पता होती हैं, ठीक है? होमोलॉगस सीरीज, तो अगर मैं बात करूँ होमोलॉगस सीरीज की, तो होमोलॉगस सीरीज क्या होती है बेटा? तो होमोलॉगस सीरीज ऐसी सीरीज होती है, पहले इसका डिफिनेशन लिख दें, एक्चुअल बात बता दें बेटा। तो होमोलॉगस सीरीज क्या होती है बेटा? होमोलॉगस सीरीज की सबसे स्पेशल और सबसे इम्पॉर्टेंट दो बातें होती हैं। एक बात होती है कि उनका जो फंक्शनल ग्रुप होता है बेटा, वो सेम होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग फंक्शनल ग्रुप को खूब अच्छी तरीके से सीख चुके थे बेटा, खूब अच्छी तरीके से हम लोगों को सीखा था कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है और हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। और दूसरा जो होता है बेटा, वन यूनिट CH2 का बेटा डिफरेंट होना चाहिए, कितना होना चाहिए बेटा, वन यूनिट CH2 का। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि फंक्शनल ग्रुप सेम है या डिफरेंट। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं फंक्शनल ग्रुप बेटा सेम होना चाहिए, कैसा होना चाहिए बेटा, सेम होना चाहिए। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि CH2 जो है उसका वन यूनिट डिफरेंट होना चाहिए, मतलब जो एक कंपाउंड दिया गया है उसके दूसरे कंपाउंड में क्या होना चाहिए बेटा, एक यूनिट CH2 का डिफरेंट आना चाहिए। तो ये सबसे दो बेसिक बातें हैं जो होमोलॉगस सीरीज के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो मैं यहाँ पर डिफिनीशन लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं बात करता हूँ इनकी प्रॉपर्टीज की और फिर कुछ एग्जाम्पल्स की बेटा, ठीक है? तो मैं यहाँ पर डिफिनीशन लिखता हूँ, ठीक है, ब्लू पेन से यूज कर लेता हूँ। ए होमोलॉगस, आगे से कुछ लिखेंगे डाटा तो उसमें क्या करेंगे, टाइम को बचाएंगे बेटा, पहले से ही लिख लिया करेंगे। ए होमोलॉगस सीरीज इज ए सीरीज ऑफ, हैंडराइटिंग आ रही बेटा समझ में, सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड दैट हैव सेम, सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा, सेम, शॉर्ट में लिख रहा हूँ यहाँ पर, फंक्शनल ग्रुप सेम फंक्शनल ग्रुप, और क्या होता है बेटा, बट डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट इन ए होमोलॉगस सीरीज इज ए सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड दैट हैव सेम फंक्शनल ग्रुप बट डिफरेंट, बेटा डिफरेंट किसका होता है बेटा, CH2 यूनिट, जो हमारे पास CH2 यूनिट होती है उसका डिफरेंट होता है, ठीक है? तो ये हमारे पास डिफिनीशन है, इसको हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग बात करते हैं बेटा इसकी प्रॉपर्टीज की। एकदम क्लियर है बेटा, ठीक है, नोट करें, यहाँ तक लिख लिया, हटा दें। अब हम बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की, बहुत कॉमन सी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर, ठीक है, अभी मैं लिख दूंगा वहाँ पर, टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं शॉर्ट में अभी समझा देता हूँ बेटा। सबसे पहली बात आती है बेटा, इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है? पहली बात हम लोग क्या करेंगे बेटा, फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए। दूसरी सबसे खास बात बेटा,
CH2 का डिफरेंट होना चाहिए कितना बेटा, 1 यूनिट का। अगर 1 यूनिट CH2 का डिफरेंस होगा तो यहाँ पर मैं मास की भी बात कर लेता हूँ, क्योंकि कॉमन क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि मास में कितना डिफरेंट आता बेटा। तो अगर मास की बात करें तो कार्बन का मास कितना होता है बेटा, 12 होता है, 12, ठीक है यहाँ पर। और H का मास कितना होता है, 1, 2 H बेटा कितना हो जाएगा, 2। तो ओवरऑल जो मास है कितना है, 14। यानी कि अगर एक CH2 यूनिट का डिफरेंस आता है तो उसके मास में कितना डिफरेंट आ जाएगा, उसके मास में 14 यूनिट का डिफरेंट आ जाएगा। 14 का मास, अभी यूनिट नहीं लिख रहे, ठीक है, यूनिट ही होता है, तो 14 यूनिट का डिफरेंस आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो मास से भी होता है बेटा। नेक्स्ट, अब अगर फंक्शनल ग्रुप सेम है तो उनका जो फार्मूला होगा वो भी क्या होगा बेटा, कॉमन होगा। तो जो कॉमन फार्मूला होता है, कॉमन फार्मूला वो क्या होगा बेटा, कॉमन फार्मूला भी सेम होगा, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पर, जैसे मैंने एग्जांपल लिया CH3 OH, मान लो एल्कोहल ले लिया बेटा, ठीक है, इसका नाम मिथाइल एल्कोहल है, पीने से जो है अच्छा लगता है बेटा, परियां याद आती हैं इसमें, इसको पीने से परियां याद आती हैं ना, इंद्र की परी है ना। अभी क्यों होता है इंद्र की परी मैं बताऊंगा। और यहाँ पर बेटा C2H5OH, ठीक है, इसको मैं ओपन करके लिख देता हूँ, तो यहाँ पर ये हो जाएगा CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH। मान लो मैंने एक एग्जांपल ले लिया, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो फंक्शन ग्रुप सभी को बता बेटा, ये भी एक एल्कोहल है और ये भी एक एल्कोहल। तो जो एल्कोहल का जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n प्लस 1.OH, ऐसे लिख सकते हैं, या फिर हम लोग लिखते हैं R बॉन्ड OH, या H को कंबाइन करके भी लिख सकते हैं। अभी हम बिल्कुल सिंपल सी बात करते हैं बेटा, तो एल्कोहल का जो जनरल फार्मूला होता है R बॉन्ड OH होता है, ठीक है, उसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं बेटा। तो यहाँ पर हमने देखा कि पहला हमारे पास बना है बेटा मिथाइल एल्कोहल, इसको हम लोग बोलते हैं मिथाइल एल्कोहल, और दूसरा जो बना है वो कितना बेटा, कौन सा बेटा, इथाइल एल्कोहल। तो दोनों में अगर हम देखते हैं तो क्या डिफरेंस आपको दिखेगा, दोनों में दिखेगा, अगर इसको मैं छुपा लूँ तो सेम है बेटा। तो कितने का डिफरेंट आया, CH2 का डिफरेंट आया, दोनों का फंक्शनल ग्रुप सेम है, CH2 का डिफरेंट है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे बेटा, ये आपस में होमोलॉगस सीरीज में होंगे। जैसे ये क्वेश्चन दिया गया, मिथाइल का नेक्स्ट होमोलॉगस कंपाउंड क्या आएगा, या होमोलॉगस सीरीज का कंपाउंड क्या होगा, तो हम फट से बता देंगे कि मिथाइल एल्कोहल का इथाइल एल्कोहल आ जाएगा। ये फार्मूला दिया गया, तो फार्मूले में CH2 यूनिट जोड़कर उसका नेक्स्ट फार्मूला हम लोग तैयार कर देंगे, ठीक है। तो क्या होना चाहिए बेटा, फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए और CH2 यूनिट का डिफरेंट आना चाहिए। तो इसीलिए इनका जो फार्मूला होता है वो फार्मूला क्या बेटा, सेम है। यहाँ पर एन एच कुल 2-1 पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा बेटा, अगर यहाँ पर एन एच कुल 2 पुट करोगे तो ये आ जाएगा। तो फंक्शनल ग्रुप सेम है, सही है बेटा। कितने का डिफरेंट है बेटा, CH2 का डिफरेंट है, और कॉमन जो फार्मूला होता है वो क्या होना चाहिए बेटा, सेम होना चाहिए बेटा। जो रिप्रेजेंटेशन फार्मूला होता है, कॉमन फार्मूला क्या होना चाहिए बेटा, जिससे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वो हमारे पास सेम होना चाहिए, ठीक है। अब अगर कॉमन फार्मूला सेम है बेटा, तो हम लोग जानते हैं नॉर्मली, हमने पढ़ाया था फंक्शनल ग्रुप में ही, कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की, वो मोस्टली किस पे डिपेंड करती हैं बेटा, उसके फंक्शनल ग्रुप पे डिपेंड करती हैं। अगर केमिकल प्रॉपर्टीज फंक्शनल ग्रुप पे डिपेंड करती हैं तो फिर उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है क्या होगी बेटा, सेम आएगी, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज फंक्शनल ग्रुप पे डिपेंड करती हैं और फंक्शनल ग्रुप क्या बेटा, सेम है। तो यहाँ पर मैं ये बोल सकता हूँ कि जो मोस्टली, ऑल ऑफ देम नहीं बोल सकते, मोस्टली बोलेंगे बेटा, मोस्टली जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो क्या होंगी बेटा, केमिकल प्रॉपर्टीज वो सेम, शॉर्ट में लिखूँ, ठीक है, ये प्रॉपर्टी लिखा, केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी होंगी बेटा, सेम होंगी। मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम नहीं लिख रहा हूँ, फिजिकल प्रॉपर्टीज इसलिए सेम नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज मास से रिलेट करती हैं बेटा, मास पर डिपेंड करती हैं। तो मास यहाँ पर चेंज हो रहा है, तो जैसे जैसे एल्कोहल की सीरीज बढ़ेगी मास चेंज हो जाएगा, उनकी प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज मोस्टली चेंज होती चली जाएंगी। केमिकल प्रॉपर्टीज में लाइटली इफेक्ट आता है, इसलिए मैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पर लिख लेता हूँ कि मोस्टली जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं बेटा क्या होती हैं, सेम होती हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये क्लियर हुआ, कॉमन फार्मूला सेम होना चाहिए। और एक मेथड होता है कि जो प्रिपेशन मेथड जो होता है वो भी क्या होता है बेटा, प्रिपेशन मेथड भी सेम होता है। प्रिपेशन मेथड मतलब अगर हम जैसे CH3OH को बनाएं, C2H5OH को बनाएं, तो मैंने यहाँ पर बस ऐसे समझने के लिए भी दिखा रहा हूँ, मैं यहाँ दिखा दूँ क्या, CH3Cl पर अगर रिएक्शन कराते हैं बेटा KOH की, एक्वस KOH की, ठीक है, एक्वस KOH की, आगे हम लोग रिएक्शन को डिटेल में सीखेंगे। तो यहाँ बन जाता है बेटा CH3OH मिथाइल एल्कोहल, और यहीं पर मैं ले लूँ C2H5Cl, इस पर KOH की रिएक्शन करा दूँ एक्वस में बेटा, तो बन जाएगा C2H5OH। तो जो एल्काइल हैलाइड है CH3Cl, C2H5Cl, आप देखेंगे दोनों में बिल्कुल सेम मेथड है बेटा प्रिपरेशन का।
तो जो जनरली होता है बेटा वो क्या होता है, मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल। तो हम कोई भी अगर फंक्शनल ग्रुप लेते हैं, कोई भी फंक्शनल ग्रुप लेते हैं तो उसको हम लोग आसानी से बना सकते हैं बेटा, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी इसका सेम रहेगा, एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है, ठीक है। तो हमने देखा होमोलोगस सीरीज क्या होती है, ऐसी सीरीज और जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें फंक्शनल ग्रुप सेम होता है, CH2 का डिफरेंट होता है, ठीक है। ये हमारी मेन डिफिनेशन हो गई थी। हम लोग प्रॉपर्टीज पे आते हैं, तो प्रॉपर्टीज में हमने उनको इंक्लूड कर लिया कि फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए बेटा। दूसरा क्या होना चाहिए बेटा, CH2 का डिफरेंट, वन यूनिट CH2 का, बहुत ही खास बात बेटा, कितना डिफरेंट होना चाहिए, वन यूनिट CH2 का डिफरेंट होना चाहिए। अब फंक्शनल ग्रुप सेम है तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम हो जाएंगी, मोस्टली केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है बेटा, सेम होती हैं। CH2 का डिफरेंट है तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में लाइटली डिफरेंट आता है बेटा, ठीक है। अगर फंक्शनल ग्रुप सेम है तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी क्या हो जाएगी बेटा, सेम आ जाएगी, क्लियर है बेटा। तो ये हमारे पास क्या है, कॉमन फार्मूला सेम होता है, तो ये हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज है। तो इसको, इन पॉइंट्स को मैं थ्योरी वाइज लिख देता हूँ, यहाँ तक आप लोग नोट कर लें, फिर मैं बात करता हूँ कुछ अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स की, ठीक है। चलिए नोट करिए बेटा, तो ठीक है नोट कर लिया बेटा, चलो रफ कर दें। हाँ, ये बात यहां पर मिथाइल अल्कोहल, तो मिथाइल अल्कोहल को हम लोग क्या बोल रहे थे, इसको पीने से स्वर्ग लोक की परियां जो है याद आएंगी। ऐसा होता है बेटा, मिथाइल अल्कोहल काफी ज्यादा पॉइजनस होता है, मतलब बहुत ज्यादा जहरीला होता है, तो अगर इसको पीते हैं तो लोग अंधे भी हो सकते हैं, है ना, या फिर जो है दिमाग का संतुलन बिगड़ सकता है, मतलब पागल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं इसे आदमी डेड भी हो सकता है, मर भी सकता है, और मरने के चांस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, इसीलिए हमने बोला कि इसमें स्वर्ग की परियां आपको नज़र आएंगी। इथाइल अल्कोहल को पीने से काफ़ी अच्छा फील होता है, हालांकि मैंने अभी टेस्ट किया नहीं है इसका, मतलब मैंने इसको यूज़ नहीं किया है, तो बाकी जो लोग यूज़ करते होंगे उनको पता होगा इथाइल अल्कोहल को पीने से क्या होता है, ठीक है बेटा। तो चलिए, ये तो है ना एक बस मजाक की बात थी, हटाएं इसको, चलिए बेटा ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसके थ्योरी पॉइंट्स नोट करते हैं, फिर हम लोग बात करते हैं बेटा किसकी, एग्जांपल्स की बात करते हैं, कुछ अच्छे अच्छे एग्जांपल्स लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं बेटा इनके पॉइंट्स की, तो हम लोग बात कर रहे थे बेटा किसकी, प्रॉपर्टीज़ की। तो प्रॉपर्टीज़ में पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं, टाइम को बचा लिया, ठीक है, पहले से हम लोग लिख लेते हैं ताकि टाइम हमारा क्या बच जाए, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, तो हमने पहला पॉइंट क्या बताया था, एवरी मेंबर इन द होमोलोगस सीरीज इज द रिप्रेजेंटेशन बाई कॉमन फार्मूला बेटा, सबका कॉमन फार्मूला क्या होता है बेटा, सेम होता है। जैसे मैंने एल्कोहल का एग्जाम्पल लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड का। देखिए, इसको समझने के लिए हम लोगों को सबसे पहले खूब अच्छी तरीके से फंक्शनल ग्रुप के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि अभी हम लोग एग्जाम्पल करेंगे तो बेटा फंसेंगे। तो अगर जिसको फंक्शनल ग्रुप के बारे में आइडिया नहीं है, तो इससे पहले जो लेक्चर हमारा पढ़ा बेटा BOC का, तो उसमें आप देख सकते हैं कि फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं बेटा, और डिफरेंट टाइप के फंक्शनल ग्रुप को हम लोग कैसे अच्छी तरीके से पहचान सकते हैं। तो एल्केन का जो जनरल फार्मूला होता है बेटा क्या होता है, CnH2n+2। तो जैसे मैंने यहाँ पर n=1 पुट किया, तो जब n=1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, CH4 आ जाएगा। अगर 2 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा, और 3 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा। तो CH4 जो हमारा है, CH4 और CH3 ये आपस में क्या होंगे बेटा, होमोलोगस सीरीज में होंगे। ये आपस में क्या होंगे बेटा, ये और ये होमोलोगस सीरीज में होंगे, बट ये और ये आपस में होमोलोगस सीरीज में नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर CH4 इसमें बेटा देखेंगे तो दो CH2 का डिफरेंट है बेटा, दो यूनिट CH2 का डिफरेंट है। यहाँ से यहाँ पर बेटा एक CH2 यूनिट का डिफरेंट है, ठीक है, देख रहा CH4 बेटा। यहाँ से देखें तो एक कार्बन एटम है और चार हाइड्रोजन है बेटा, यहाँ पे एक और एक दो कार्बन एटम है। तो मैं इसको ऐसे CH2 को ऐड करके दिखा सकता हूँ, अगर CH2 ऐड करूँगा तो यही बनेगा बेटा, C कितना हो जाएगा, 2, 4 और 2, 6H हो जाएगा। तो बेटा यहाँ देखेंगे 6H है, ठीक है, एकदम क्लियर है। तो जो हमारे पास नेक्स्ट की बात आती है बेटा, ये नहीं कि नेक्स्ट टू नेक्स्ट आ जाए, जैसे मिथाइल अल्कोहल है तो इथाइल अल्कोहल, ये आपस में होमोलोगस सीरीज में होंगे। मैं अगर ये बना दूँ CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH, ठीक है, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH, तो ये आपस में होमोलोगस सीरीज में नहीं होगा बेटा। इसके साथ तो होमोलोगस सीरीज में होगा, बट इसके साथ होमोलोगस सीरीज में नहीं होगा, इसके साथ होमोलोगस सीरीज में हो जाएगा। तो एक CH2 यूनिट का डिफरेंट रहता है बेटा, ठीक है, एक CH2 यूनिट का डिफरेंट रहता है। तो ये पहला पॉइंट हमारा क्लियर हुआ एकदम, ठीक है, हटा देते हैं इसको। अब हम लोग बात करते हैं बेटा किसकी, नेक्स्ट वाले एटम की। यहाँ पर दोबारा से लिख देता हूँ बेटा, एवरी एटम डिफरेंट फ्रॉम द वाई, किसके बेटा,
अदर जो हमारे पास अदर कंपाउंड दिया गया होगा उसमें कितना डिफरेंट रहेगा बेटा, CH2 यूनिट का डिफरेंट रहेगा। तो एक कंपाउंड है, अभी मैंने एग्जांपल में समझाया, अभी दूसरे कंपाउंड के साथ ये किस में रहेगा बेटा, दूसरे कंपाउंड के साथ ये एक यूनिट CH2 का डिफरेंट दिखाएगा। जैसे मैं यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ, सो मैंने ये लिया CH3 बॉन्ड, ठीक है, NH2 बेटा, और दूसरा एग्जाम्पल लिया CH3 बॉन्ड NH बॉन्ड CH3, ठीक है। तो आप यहाँ देखेंगे कितने कार्बन है बेटा, एक कार्बन है, एक नाइट्रोजन है, 3, 2, 5 क्या बेटा हाइड्रोजन है, यहाँ पर 3 और 3, 6 और 1, 7 है। तो अगर इन दोनों में देखें तो कितने का डिफरेंट है बेटा, CH2 यूनिट का डिफरेंट है, एक CH2 यूनिट का डिफरेंट है। तो एक CH2 यूनिट का डिफरेंट है बेटा, और यहाँ भी एमीन है बेटा, और यहाँ भी एमीन है, ठीक है। तो दोनों में फंक्शन ग्रुप सेम है कि नहीं है बेटा। तो यहाँ पे बच्चे काफ़ी ज़्यादा खेल जाते हैं बेटा, तो खेलना नहीं है, ठीक है। ये हमारे पास जो एमीन है बेटा, ये 1 डिग्री एमीन है, इसको हम लोग प्राइमरी एमीन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी एमीन, ठीक है। जबकि ये हमारे पास क्या बेटा, ये हमारे पास सेकेंडरी एमीन है। तो पहले ही क्वेश्चन में खेल गए, मतलब ध्यान देना है हमको कि ये नहीं कि हमको बस CH2 यूनिट का डिफरेंट दिखाई पड़े। मैंने पहले क्या बोला था, सबसे पहले हमें खूब अच्छी तरीके से देख लेना बेटा, अगर फंक्शनल ग्रुप सेम है तो उसके बाद हम लोग जाएंगे बेटा CH2 यूनिट पर। गलती नहीं करेंगे बेटा, अच्छे एग्जांपल आने वाले हैं इसलिए। तो ये आपस में होमोलोगस सीरीज में नहीं होंगे, ये आपस में होमोलोगस सीरीज में नहीं होंगे, क्योंकि प्राइमरी अमीन सेकेंडरी अमीन से डिफरेंट होता प्रॉपर्टीज में, सेकेंडरी अमीन टर्शियरी अमीन से डिफरेंट होता बेटा प्रॉपर्टीज में, ठीक है। तो मैंने जैसे वापस फिर से एग्जांपल लिया CH3 बॉन्ड, ठीक है, NH2, और एक एग्जांपल ले लिया मैंने CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड NH2। तो ये आपस में होमोलोगस सीरीज में हो जाएंगे, क्योंकि ये हमारे पास 1 डिग्री अमीन है, 1 डिग्री अमीन आप देख चुके हैं बेटा, एक हमारे पास कार्बन एटम है, और ये भी हमारे पास 1 डिग्री, क्योंकि नाइट्रोजन कितने कार्बन एटम से जुड़ा होता है उससे उसकी अमीन की डिग्री पता चलती है। ये हम लोग पिछले लेक्चर में भी सीख चुके हैं बेटा BOC के, जिसमें हम लोग सीख रहे थे कि डिग्री ऑफ अमीन बेटा, ठीक है। तो वापस करते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे, इसको मैं हाइड कर लूँ, तो यहाँ पर देखेंगे CH3NH2 बेटा एक यूनिट CH2 का अगर डिफरेंट है तो ये आपस में होमोलोगस सीरीज में हो जाएंगे। क्लियर है बेटा? तो यहाँ पर क्लियर हुआ कितना डिफरेंट रहता है बेटा, एक CH2 यूनिट का डिफरेंट रहता है जब फंक्शन ग्रुप सेम होना चाहिए। तो अच्छे एग्जाम्पल आने वाले हैं बेटा, ध्यान से पढ़ेंगे बेटा। नेक्स्ट, मेंबर ऑफ द सेम होमोलोगस सीरीज कैन बी, दिख रहा है बेटा, कैन बी प्रिपेयर्ड बाई सेम प्रोसेस सेम मेथड। तो हम लोग अभी बता ही चुके थे, एक एग्जाम्पल फिर से ले लिया है CH4 प्लस Cl2 CH3Cl, मिथाइल क्लोराइड बोलते हैं बेटा इसको। अभी आगे हम लोग जब IPA पढ़ेंगे तो उसमें सीखेंगे मिथाइल क्लोराइड, बाकी 10th से काफ़ी लोगों को ये आता होगा बेटा, मिथाइल क्लोराइड बोलते हैं इसको, और इसको C2H6Cl2 तो CH3CH2Cl, तो ये भी हमारे पास इथाइल क्लोराइड है, तो इसको हम लोग RCl बोलते हैं बेटा, या फिर हम इसको बोल सकते हैं RX। तो एल्किल हैलाइड के टर्म में आप देखेंगे दोनों कंपाउंड एक जैसे हैं, मतलब मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या बेटा सेम है। तो दोनों में क्लोरीन है, दोनों में क्लोरीन है, तो दोनों का मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या बेटा सेम है, जैसे मैंने एल्कोहल का भी एग्जांपल लेके इससे पहले समझाया है, ठीक है। यहाँ तक हटाएं बेटा, चलिए नेक्स्ट देखिए, काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, पहले से काफ़ी ज़्यादा पढ़ा हुआ है, बाकी मैं डिटेल में समझा चुका हूँ। बात आती नेक्स्ट, मेंबर ऑफ द सेम होमोलोगस सीरीज हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बेटा। तो जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो सेम होती हैं, क्योंकि उनका जो फंक्शनल ग्रुप होता है बेटा सेम होता है, और जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं मोस्टली किस पर डिपेंड करती हैं बेटा, उसके फंक्शनल ग्रुप पे। क्लियर एकदम? तो ये आपको होमोलोगस सीरीज का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब कितना क्लियर हुआ है, तैयार हो जाइए एग्जांपल्स के लिए, और देखना है आप लोग कितना इसको तैयार कर चुके हैं, कितना आप लोग इसके जो है इसको प्रिपेयर कर चुके हैं बेटा, ठीक है। तो आर यू रेडी टू फाइट, है ना, अब हमारे जो है क्वेश्चनों के साथ फाइट होने वाली। तो अच्छे क्वेश्चन शुरुआत करें या सिंपल, चलो सिंपल से स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने CH4 लिया मेथेन, अब इसका हमसे नेक्स्ट होमोलोगस कंपाउंड पूछा गया है, तो नेक्स्ट जो होमोलोगस कंपाउंड है या नेक्स्ट होमोलोगस सीरीज में हम लोग बनाएंगे इसका, तो कंपाउंड क्या बनेगा बेटा। तो ये एल्केन है, कुछ नहीं करना हमको, अभी तो कॉमन है बेटा हाइड्रोकार्बन, इसमें CH2 ऐड करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा C2H6। फिर से आ गया नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, तो हम बनाएंगे इस बेटा फिर से एक यूनिट CH2 ऐड कर देना है, बन जाएगा C3H8, ठीक है, मीथेन एथेन प्रोपेन। ऐसे ही हम लोग होमोलोगस सीरीज बनाते चले जाएंगे बेटा, C4H10 क्या करना बेटा, एक CH2 यूनिट को ऐड करना है। इससे हमारे पास आया मिथाइल अल्कोहल CH3OH, ठीक है, इसका होमोलोगस सीरीज बनाना बेटा। तो कैसे करेंगे, इस पर भी CH2 यूनिट ऐड करेंगे तो बन जाएगा C2H5OH,
फिर से सी एच टू यूनिट ऐड करेंगे तो बन जाएगा सी थ्री एच सेवन ओ एच बेटा, फिर से सी एच टू यूनिट ऐड करेंगे तो बन जाएगा सी फोर एच नाइन ओ एच। मतलब कुछ नहीं करना हमको, बस सी एच टू यूनिट को ऐड करते जाना है, उसका नेक्स्ट नेक्स्ट होमोलोगस सीरीज कंपाउंड बनता चला जाएगा। ये वाला इसके साथ होमोलोगस सीरीज में है, पर इसके साथ होमोलोगस सीरीज में नहीं है, ये वाला इसके साथ नहीं है बेटा, ये आपस में होमोलोगस सीरीज में है, ये आपस में होमोलोगस सीरीज में है। जैसे पूछा गया कि इथाइल एल्कोहल का प्रीवियस कंपाउंड बताइए, इथाइल एल्कोहल की हम लोग क्या करें, एल्कोहल की होमोलोगस सीरीज बनाएंगे। क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि जो एल्कोहल है उसकी होमोलोगस सीरीज बेटा ड्रा कर ली गई, बना ली गई। अब बताइए इथाइल एल्कोहल का जो होमोलोगस सीरीज में प्रीवियस कंपाउंड क्या होगा, क्वेश्चन कई सारे बना सकते हैं ध्यान से। तो इथाइल एल्कोहल हमारा ये है, तो यहाँ पर ये हमारा क्या है बेटा, ये भी इसके साथ होमोलोगस सीरीज में है और इसके साथ भी होमोलोगस सीरीज में है। तो जो प्रीवियस कंपाउंड है उसका मास पूछ लिया, या पूछा इथाइल एल्कोहल है या एल्कोहल की सीरीज है, तो बताओ इथाइल एल्कोहल का जो होमोलोगस सीरीज वाला कंपाउंड होगा, होमोलोगस सीरीज में जो कंपाउंड होगा उसके नेक्स्ट वाला जो कंपाउंड होगा उसका मॉलिकुलर मास बताओ, उसमें कार्बन एटम बताओ, ऐसे कई क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। एकदम क्लियर है ना बेटा, तो ये हमको समझ के चलना है, एकदम क्लियर। मैं अभी क्वेश्चन इसके करवाता हूँ, तो एकदम ये क्लियर है बेटा, काफ़ी ज़्यादा आसान है। चलो मैं क्वेश्चन लेता हूँ होमोलोगस सीरीज में। तुमने पहला क्वेश्चन लिया है, ठीक है, अब बताना आपको है कि ये दोनों कंपाउंड आपस में होमोलोगस सीरीज में है या नहीं है। तो मैं दो तीन एग्जांपल एक साथ ले लेता हूँ, जैसे मैंने ये एग्जांपल लिया, ठीक है, देखिए हैंडराइटिंग पे मत जाइएगा, मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि ये मेरी बचपन की गलतियां हैं जिनको मैंने सुधारा नहीं है बेटा, ठीक है। बहुत गंदा लिखते हो सर जी, कोई बात नहीं बेटा, ठीक है, हमको क्या है इसको अच्छे से समझ के चलना है बस, ठीक है। तो हमारे पास ये कंपाउंड दिए गए हैं, इसमें हमको बताना है कौन सा कंपाउंड होमोलोगस सीरीज में है या नहीं है, ठीक है। तो मान लो इसको मैंने ए मान लिया, इसको मैंने बी मान लिया, ठीक है, थोड़ी देर के लिए। तो ए यहाँ पर बेटा कार्बन एटम, कार्बन एटम, कार्बन एटम, कार्बन एटम, कितने कार्बन बेटा, फोर कार्बन एटम है, बहुत ही आराम से देखना है। अब ए को एच कौन सा ग्रुप हो गया बेटा, एल्कोहल। तो सबसे पहला काम क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप को देखना, दूसरा काम होता है जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है उसको देख के चलना, जिससे कि हम ये बता सकें उसमें सी एच टू यूनिट का डिफरेंट है या नहीं है। किसका देखना बेटा, सी एच टू यूनिट का। तो कर सकते हैं, दिमाग लगाइए, अगर करना बेटा तो वीडियो को आप यहीं पर स्टॉप कर दीजिए, पॉज कर दीजिए, रोक दीजिए और उसके बाद आप करिए, फिर आंसर मैच करिए बेटा, बाकी स्टार्ट है, ठीक है। देखिए अब क्या करना है, तो अब चेक करना है कि ये होमोलोगस सीरीज में कंपाउंड है कि नहीं। तो सबसे पहला काम बेटा फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, एल्कोहल है, एल्कोहल है, सही बेटा। इसमें कितने कार्बन एटम थे, यहाँ पर हमने देखा कार्बन एटम बेटा फोर थे, ठीक है, यहाँ पर एक दो तीन, कितने कार्बन एटम बेटा हैं, तीन कार्बन एटम हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये तीन कार्बन एटम बेटा, ये कार्बन एटम फोर है, बाकी कोई डबल बॉन्ड डी कोई चेंज नहीं हुआ है, तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर कोई भी डिफरेंट नहीं, मतलब डबल बॉन्ड नहीं आया। अभी डी यू की बात मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा, यहाँ पर मैं आपको डी यू सिखाऊँगा। तो डी यू मतलब होता है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है या नहीं है, रिंग है या नहीं है उसके लिए। तो अभी हम देख सकते हैं यहाँ पर चार कार्बन, यहाँ पर तीन कार्बन, बाकी सी एच टू का ही डिफरेंट होगा, नहीं आया समझे। चलो डिटेल में समझा देते हैं कैसे बेटा। तो हम लोग क्या करते हैं, कार्बन लिख लेते हैं, कितने कार्बन, एक दो तीन चार कार्बन लिख लिया बेटा, ठीक है। अब इस कार्बन के साथ एक बॉन्ड बना तो कितने हाइड्रोजन होंगे, तीन, यहाँ पे दो बॉन्ड बने तो कितने हाइड्रोजन होंगे बेटा, तो यहाँ होंगे तीन एच, यहाँ पे होंगे दो एच, क्योंकि दो बॉन्ड बने तो दो एच होंगे बेटा। यहाँ पर एक कार्बन है एक ओ एच, तो एक एच होगा। यहाँ पे कार्बन के साथ कितने एच होंगे बेटा, तीन, क्योंकि एक बॉन्ड बना है तो तीन एच होंगे। तो ओवरऑल एच की बात करते हैं तो तीन दो पाँच और तीन आठ, तीन तीन छः दो आठ और एक ये बेटा नौ। तो सी फोर एच नाइन है एल्काइल फॉर्म में और डॉट ओ एच है। अगर इसकी बात करें एक दो तीन कार्बन है, तीन कार्बन बेटा एच, यहाँ पर तीन होंगे, एक बॉन्ड है तीन, दो बॉन्ड है तो दो, यहाँ पर दो बॉन्ड है तो दो, भाई बैलेंसी चार होती है, तो जितने बॉन्ड हों उसके बाद बचे हुए बेटा जितने हों, तो यहाँ पर दो बॉन्ड बने हैं तो बचे कितने बेटा, दो। तो अब हमारे पास यहाँ पर एच तीन है, क्योंकि एक बॉन्ड बना है तो तीन की बैलेंसी पूरी हो रही होगी, यहाँ पर दो बॉन्ड बने हैं तो दो एच होंगे बेटा, तो यहाँ पर तीन एच हो जाएंगे, यहाँ पर दो एच हो जाएंगे और यहाँ पर भी हमारे पास दो एच हो जाएंगे, तो तीन दो पाँच दो सात हो जाएंगे और साथ में ओ एच ग्रुप हो जाएगा। तो इन दोनों के जो फार्मूले हैं उसमें कितना डिफरेंट है, तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर
कि एक CH2 यूनिट का डिफरेंट है। कितना डिफरेंट है बेटा? एक CH2 यूनिट का डिफरेंट है। ठीक है, तो ये फर्स्ट एंड सेकेंड ये दोनों आपस में क्या बेटा, ये दोनों आपस में होमोलोगस सीरीज में है। देखिए जब हम लोग क्या होता है, खूब प्रैक्टिस कर लेते हैं, डिटेल में चले जाते हैं, तो अभी हम लोग इसको कार्बन हाइड्रोजन ऐसे काउंट कर रहे होते हैं, बाकी हम लोग देख लेते हैं सेम होता है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं आया तो हम लोग बिल्कुल आराम से बस देखकर बता देते हैं, उसमें कार्बन एटम ही देखकर बता देते हैं कि ये डिफरेंट है या नहीं। एक्चुअल में CH2 यूनिट का ही डिफरेंट होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ बेटा। चलिए बात करते हैं बेटा किसकी, सेकेंड क्वेश्चन की। तो अब हमारे पास जो सेकेंड क्वेश्चन है, मैंने ये लिया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, फिनॉल। आपको एक खास बात बता दें कि जो फिनॉल होता है, जो बेंजीन रिंग के साथ जो OH जुड़ा होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं बेटा ये फिनाइल होता है, तो इसे हम लोग फिनॉल बोलते हैं बेटा। जबकि जो नॉर्मल कार्बन के चेन के साथ जुड़ा होता है, जैसे ये है, ये बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा है तो ये फिनॉल फॉर्म में है, तो ये बेटा एल्कोहल फॉर्म में है। अगर कार्बन चेन के साथ जुड़ा हुआ है बेटा ओपन चेन में, या फिर जो है एरोमेटिक चेन में ना, मतलब फिनाइल के साथ ना जुड़ा हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं बेटा एल्कोहल। क्या बोलते हैं उसको? एल्कोहल बोलते हैं। और फिनॉल और एल्कोहल दोनों डिफरेंट फंक्शन ग्रुप बेटा हैं, सेपरेट सेपरेट में, इसकी प्रॉपर्टीज अलग होती हैं, उसकी प्रॉपर्टीज अलग होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर OH है, यहाँ भी OH है, तो ये सेम फंक्शन ग्रुप नहीं है, ये फिनॉल है जबकि ये क्या बेटा एल्कोहल है, दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है। तो OH को देखकर गलती मत कर देना, OH को देखकर गलती नहीं करना है। तो हम इसीलिए बता रहे हैं कि होमोलोगस सीरीज काफ़ी आसान दिखती है बट एक्चुअल में होती नहीं है, हमको काफ़ी ज़्यादा सीरियसली उसको पढ़ना पड़ता है बेटा। ठीक है, तो ये कंपाउंड मैंने देखा, ये कंपाउंड देखा, बताइए आपस में होमोलोगस सीरीज में है कि नहीं है, ये आपस में होमोलोगस सीरीज में है कि नहीं है। तो बेटा अच्छे क्वेश्चन हैं, जब खूब ज़्यादा आता है तो ये नॉर्मल लगते हैं बेटा, जब खूब प्रैक्टिस कर ली होती नहीं तो आसान नहीं लगते। कई बच्चे ये सोचेंगे कि यहाँ पर CH3 यूनिट का, मतलब CH3 का डिफरेंट आ रहा है इसको देखकर, और ये तो समझ ही गए, हाँ सर ने बता दिया कि ये फिनॉल होता है जो बेंजीन रिंग के साथ, या जो है बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्ट जुड़ा होता है तो वो फिनॉल होता है, और ओपन कार्बन चेन या सिंपल कार्बन चेन के साथ जुड़ा होता है एल्कोहल, उसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट। तो ये तो है नहीं बेटा होमोलोगस सीरीज में, ख़त्म, क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो गया है, उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो चुकी है। यहाँ पे तो लग रहा है बट CH3 का डिफरेंट आ रहा, तो CH3 का डिफरेंट आएगा तो वो क्या होगा बेटा, वो होमोलोगस सीरीज में नहीं होगा, वो होमोलोगस सीरीज में नहीं होगा। तो हम इसको बोलेंगे कि ये आपस में होमोलोगस सीरीज में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर CH3 है, और जैसे ही ये बोलोगे वैसे ही क्या होगा बेटा, बच्चा खेल जाएगा एकदम। क्यों? क्योंकि अब हमको क्या है बेटा, जैसे ही हम लोग जानते हैं यहाँ पर हर एक पॉइंट क्या होता है, कार्बन एटम होता है। ज़रा सोचो यहाँ पर हर एक कार्बन एटम, तो यहाँ पर हमारे पास जो कार्बन एटम होता है उसमें एक एच जुड़ा होता है, और इसमें ये डबल बॉन्ड होता है ऐसे, तो कार्बन की वैलेंसी चार होती है, तो एक्चुअल स्ट्रक्चर ऐसे होता है। अब ये स्ट्रक्चर हमारे पास दिया गया था, अगर हमारे पास यहाँ पर मैं CH2 यूनिट को ऐड कर दूँ यहाँ पर, तो एक एच भाई एक्स्ट्रा में तो ऐड हो नहीं सकता, कार्बन के पास चार बॉन्ड है पहले से ही, और हमें पता है कार्बन चार ही बॉन्ड बनाता बेटा, तो पाँचवा बॉन्ड हम डायरेक्ट तो बना नहीं सकते, पाँचवा बॉन्ड तो हम लोग सिखा चुके हैं ना, एकदम क्लियर बेटा, फील आ रहा कि नहीं आ रहा बेटा? तो अब जब CH2 इसमें ऐड करोगे तो पहले से ही एक एच यहाँ पर अवेलेबल है, तो अब हमारे पास जो फार्मूला बनेगा जाके क्या बनेगा जाके, ये बन जाएगा OH और यहाँ आ जाएगा बेटा CH3। क्या आ जाएगा बेटा? CH2, ये CH2 इस वाले H को ऐड कर लेगा क्योंकि ये बाहर निकल नहीं सकता है ना, बाहर यहाँ पर बेटा बॉन्ड बनेगा जाके ना, तो ये H और CH2 मिलकर हो जाता CH3। तो ऐसा दिखता है कि CH3 का डिफरेंट आ रहा है बट एक्चुअल में किसका डिफरेंट आया बेटा? CH2 का डिफरेंट आया, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही एक एच अवेलेबल होता है, वो कहीं नहीं गया बेटा। तो CH2 ऐड करने पर ऑटोमेटिक क्या होता है? CH3 हो जाता है, इसलिए ये आपस में होमोलोगस सीरीज में है। दिखने में लगेगा नहीं है बेटा, पर ये आपस में होमोलोगस सीरीज में है। समझ में आ रहा है एकदम? मैंने कहा था बेटा अच्छे क्वेश्चन है, तो अच्छे क्वेश्चन है तो फिर हमको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा बेटा, शुरुआत है तो इसलिए अच्छे क्वेश्चन तो हैं ही, अगर खूब बढ़िया प्रैक्टिस कर लिए तो फिर तो ये सब कॉमन लगता है एकदम। ठीक है, एकदम क्लियर। ये क्यों नहीं था बेटा? क्योंकि ये एल्कोहल था, एल्कोहल की प्रॉपर्टीज फिनॉल से डिफरेंट होती हैं। सर जी मज़ा आ गया है ना? मज़ा आ रहा बेटा, मज़ा आना भी चाहिए ज़्यादा, इतना मतलब अभी खुश होने की जरूरत नहीं है कि हाँ ऑर्गेनिक समझ में आ गई बेटा, अभी स्टार्ट है। मैं आपको बता दूँ BOC चल रहा है सिर्फ, है ना, और हम लोग जो सेकेंड पढ़ेंगे IPEC, तो BOC को भी हम ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देते हैं, IPEC को भी मैं ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देता हूँ। मैं प्रायोरिटी किसको देता हूँ? सिलेबस में जब हम लोग सही से इंटर करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो है हमारा आइसोमेरिज और फिर GOC, जहाँ से हम लोग सच में ऑर्गेनिक को छूना स्टार्ट करते हैं, मतलब टच करना स्टार्ट करते हैं, थोड़ा लगता है कि हम लोग ऑर्गेनिक में धीरे धीरे चल रहे हैं। तो
अभी तुम इसको समझ कर या इसको पढ़कर ये मत समझ लेना कि हाँ ऑर्गेनिक बहुत ज़्यादा जो है आसान है या हम बहुत जल्दी सीख जाएं। आसान है सच में, लेकिन हमको एक फोकस के साथ हार्ड वर्क करके बेटा, छोटी छोटी चीज़ों को कवर करके रिवाइज करके बेटा चलना है हमें, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट हमारे पास आ गया, इसका आंसर आप लोग बताएंगे, जल्दी से बताइएगा इसका आंसर क्या आएगा बेटा। तो यहाँ पर मैंने लिया, तो बेटा ये प्राइमरी अमीन है, ये भी प्राइमरी अमीन है, ये सेकेंडरी अमीन है, ये टर्सरी अमीन है। तीन कार्बन चेन के साथ जुड़ा होता है तो टर्सरी, ये दो कार्बन चेन के साथ जुड़ा है तो सेकेंडरी, ये बेटा इस साइड बट ये वाला जो एन एच टू वो कितने कार्बन एटम से जुड़ा बेटा, एक। तो ये डिपेंड नहीं करता बेटा ये कितना नाइट्रोजन कितने कार्बन से जुड़ा, ये नाइट्रोजन कितने कार्बन से जुड़ा बेटा, एक। तो ये भी हो गया प्राइमरी। तो सबसे पहले मैं सेकेंडरी और टर्सरी का केस ख़त्म कर देता हूँ। सेकेंडरी इसके साथ ये ए, ये बी, ये सी और डी, तो ए का जो ए का रिलेशन है सी और डी के साथ तो ख़त्म हो गया, ठीक है, क्योंकि फंक्शन ग्रुप क्या चाहिए बेटा सेम। अब यहाँ देखते हैं, एक दो तीन चार कार्बन है बेटा, कितने कार्बन है चार, यहाँ पर एक दो तीन, तीन कार्बन है, एक दो तीन चार, चार है बेटा, यहाँ भी कार्बन चार है, और कितना होना चाहिए बेटा सी एच टू का डिफरेंट, मतलब एक कार्बन का डिफरेंट तो होना चाहिए। तो ये भी आपस में होमोलोगस सीरीज में नहीं है, तो इसका कोई भी आंसर नहीं बेटा, कोई भी कंपाउंड इसका होमोलोगस सीरीज में नहीं है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा, क्लियर है एकदम, चीज़ें आसान है काफ़ी, ठीक है। फिर से फील कराऊं क्या, एकदम आगे बेटा, कार्बन एटम में सी एच टू का डिफरेंट होना चाहिए ना, एक दो तीन चार कार्बन, एक दो तीन चार कार्बन, नहीं है ना। अब इसका क्वेश्चन मान लो पूछ दिया जाए कि बताइए इसका जो होमोलोगस सीरीज का प्रीवियस कंपाउंड क्या, इससे पहले वाला कंपाउंड क्या बनेगा, तो इसमें एक दो तीन चार कार्बन बेटा, तो एक दो तीन कार्बन बना देना है बस, एन एच टू बन गया बेटा। या नेक्स्ट क्या होगा, तो एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच और येलो एन एच टू, तो ऐसे हम लोग बना सकते हैं। तो ये इसके साथ होमोलोगस सीरीज में है, ये इसके साथ होमोलोगस सीरीज में है, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है ना, बिल्कुल डाउट होना भी नहीं चाहिए। तो इसका ये होमोलोगस सीरीज में नहीं था। अब मैं इसकी बात कर लेता हूँ, सपोज कर लो ये क्या होमोलोगस सीरीज में है, तो ये वन डिग्री है, ठीक है, लिखा हुआ है यहाँ पर वन डिग्री, टू डिग्री और ये थ्री डिग्री है। तो डिग्री चेंज होने पर अमीन की प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा, चेंज हो जाती है। तो ये भी आपस में होमोलोगस सीरीज में नहीं, तो इसका भी कोई भी होमोलोगस कंपाउंड नहीं है, होमोलोगस सीरीज का कंपाउंड नहीं है, क्लियर है एकदम, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिया एन एच और ये टू डिग्री है मेरे पास, ये थ्री डिग्री है, ये टू डिग्री है और ये थ्री डिग्री है। तो टू डिग्री और थ्री डिग्री भी आपस में होमोलोगस सीरीज में नहीं होते हैं, क्योंकि डिग्री सेम होनी चाहिए, अमीन की प्रॉपर्टी डिफरेंट नहीं होनी चाहिए। तो मैं अच्छे क्वेश्चनों की बात कर रहा हूँ, एकदम क्लियर हो रहा है बेटा, ठीक है। अब मैं फिर से एक क्वेश्चन देता हूँ, चलो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। तो ये हमारे पास है, ठीक है, और मेरे पास मैं इसको लिख देता हूँ, चलो सी एस थ्री बॉन्ड सी ओ बॉन्ड सी एस थ्री, ठीक है, और मेरे पास एक है सी एस थ्री बॉन्ड सी एच टू बॉन्ड सी एच टू बॉन्ड सी ओ ओ एच, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, क्या बताइए होमोलोगस सीरीज में है कि नहीं, तो बेटा हम देखेंगे, हाँ बोलिए, कितना का कितने का डिफरेंट बेटा, सी एच टू का डिफरेंट आ रहा है, एक और ले लूँ क्या, चलो एक और ले लिया सी एच थ्री, ठीक है, इसको ओ को बाहर कर दिया, सी एच थ्री ओ, ठीक है, सी एच टू ओ सी एच थ्री, सही है, क्लियर है ना एकदम, बता सकते हैं। चलिए बताइए क्या ये एक दो तीन हमारे पास होमोलोगस सीरीज में है कि नहीं बेटा, कर सकते ना, अच्छे क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान भी है, हाँ बताइए, क्लियर हो गया। तो ये कौन सा ग्रुप है बेटा, ये हमारे पास ओ के साथ कार्बन चेन है, तो ये हमारे पास ईस्टर है। सबसे पहला रूल फंक्शनल ग्रुप देखते हैं बेटा, फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कौन सा बेटा सी डबल ओ एच, कौन सा बेटा कार्बोक्सिलिक है। सी ओ कौन सा होता है बेटा, सी ओ के साथ कार्बन चेन, कार्बन चेन, तो ये तो हो गया कीटोन, और ये हो गया बेटा ईथर, दोनों और कार्बन चेन क्या होते हैं बेटा ईथर। तो आप देखेंगे, बाकी कुछ नहीं देखना, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप देखना है, तीनों के फंक्शनल ग्रुप क्या बेटा चेंज है। CH2 यूनिट से मत चले जाना, नहीं तो यहाँ CH2 यूनिट का डिफरेंट देखो और बता दो कि ये होमोलोगस सीरीज में है। तो ये आपस में होमोलोगस सीरीज में नहीं है, कोई भी आपस में होमोलोगस सीरीज में नहीं है। बाकी मैं आपकी क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिए, अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, फिर हमको कमेंट करके बताइए कौन सा कंपाउंड होमोलोगस सीरीज में है या नहीं। तो टॉपिक आसान था, काफ़ी आसान था, लेकिन सच में इसके क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा अच्छे बनते हैं, ठीक है।
मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ प्रैक्टिस के लिए बेटा, ठीक है? तो मैंने कुछ क्वेश्चन यहाँ पर दिए हैं आपको, तो आपको क्या करना है बेटा, क्वेश्चन यहाँ पर बताने हैं, ठीक है? तो आप हमको ये बताना है कि कौन सा कंपाउंड ए बी सी डी जैसे दिया गया, तो ए और बी के बीच रिलेशन बताना है कि ए और जो बी है वो आपस में होमोलोगस सीरीज में है कि नहीं, ए सी है कि नहीं बेटा, ए डी है कि नहीं है, ठीक है? या बी सी की बात कर लेते हैं, तो हम लोग इस तरीके से पूरे ओवरऑल जो ए बी सी डी है सभी को चेक करके देख सकते हैं कौन सा होमोलोगस सीरीज में है, कौन सा होमोलोगस सीरीज में नहीं है। तो ये 1 2 3 4 5 6 हमारे पास ओवरऑल 6 क्वेश्चन है, जिसमें मैंने आपको लिख दिया है यहाँ पर कौन सा ए है और कौन सा बी है, आपस में वो होमोलोगस सीरीज में है या नहीं है, ये आप हमको कमेंट करके बताइएगा, ठीक है? तो ये क्वेश्चन हो जाएंगे आपसे, बन जाएंगे, बस क्या देखना है फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए बेटा और CH2 यूनिट का डिफरेंट होना चाहिए, बाकी क्वेश्चन आपसे आराम से हो जाएंगे, ठीक है? होमोलोगस सीरीज के बाद, ठीक है, यहाँ तक हो जाएंगे ना बेटा। अब मैं बात करता हूँ कुछ ऐसे पॉइंट्स की जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बेटा, किसमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हमारे पास टर्म्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं बेटा हमारे लिए, किसमें, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जैसे मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो हम लोग पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हैं बेटा। दूसरा हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड है बेटा, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, चाहे वो हाइड्रोजन बॉन्ड की बात की जाए या वैन डेर वाल्स फोर्स की बात की जाए, ठीक है, बॉन्ड लेंथ की बात की जाए या फिर हमारे पास बात की जाए बेटा डायपोल मूवमेंट की, ठीक है? तो ये बहुत ज़्यादा ऐसे प्रॉपर्टीज़ हैं जिनका यूज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखने को मिलता है। तो इनको जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अपना मेरा जो केमिकल बॉन्डिंग का वीडियो है आप उसको केमिकल बॉन्डिंग वाले टॉपिक पे जाइए, केमिकल बॉन्डिंग अच्छे से पढ़िए बेटा, पीरियोडिक टेबल अच्छे से पढ़िए, तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ज़्यादा आसान लगेगी। मैं थोड़ा सा यहाँ पर ओवरव्यू देता हूँ आपको जो है इन पॉइंट्स के बारे में। जैसे बात आती है बेटा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है बेटा, जो बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको जो हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होता है, मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, वो क्या करता है इलेक्ट्रॉन को पोलराइज करता है, मतलब इलेक्ट्रॉनों का भी मन करता है कि हम उसकी तरफ शिफ्ट हो जाएं, उसकी तरफ चले जाएं जिसकी जो इलेक्ट्रॉनों को अच्छे से रख सकता है। जैसे आपसे बात करें तो आप किसकी तरफ जाना पसंद करेंगे, उस व्यक्ति की तरफ ज़्यादा ज़्यादा पसंद करते हैं जो आपको अच्छे से रख सकता, आपके जो ख्वाब हैं उनको पूरा करा सकता है, ठीक है? तो वो चीज़ें क्या होती हैं, हर कोई पसंद करता है, ठीक है? तो हम लोग सीधी सी भाषा में कहते हैं कि जो बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको अपनी तरफ पोलराइज करना बेटा। जैसे इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो म्यूचुअल शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन हैं इनको ये क्या करता है, सेल अपनी तरफ पोलराइज करता है बेटा, ठीक है? बॉन्ड पोलर होता है तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर पार्शियल निगेटिव चार्ज होता है। तो ये जो बॉन्ड सेल की तरफ शिफ्ट होते हैं, थोड़े से अट्रैक्ट होते हैं इसको, तो इसी सीएल की इस पावर को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब किसी भी एटम की जो म्यूचुअल शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको अपनी ओर जो खींचने की पावर है बेटा, उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो बेटा पीरियोडिक टेबल देख सकते हैं, ठीक है? यहाँ पर जो टर्म्स यूज होते हैं उनको मैं बता दूँ, जैसे एस करेक्टर बेटा सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है, एस करेक्टर बेटा। तो कई ऐसे एटम होते हैं जब सेम एटम होते हैं फिर भी उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है बेटा, बढ़ जाती है। जैसे मैं यहाँ पर बात करूँ तो हमारे पास CH3 बॉन्ड CH3 है, ठीक है? इसके कई सारे इफेक्ट्स भी हैं, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, और मैंने एक एग्जांपल ले लिया बेटा CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो एक करेक्टर आता है बेटा S करेक्टर। तो S करेक्टर क्या होता है, ये डिपेंड करता है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या। जैसे मैं इस कार्बन की बात करूँ तो सभी लोग जानते हैं 3H के साथ सिग्मा बॉन्ड और एक ये, तो ओवरऑल कितने सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3। तो अगर मैं इसका एस करेक्टर निकालूं तो एस करेक्टर निकालने का या एस परसेंटेज निकालने का मेथड होता है कि ओवरऑल कितना होता है बेटा 100 डिवाइड बाई कितने ऑर्बिटल यहाँ पर है हमारे पास, एक एस का है और 3 पी के बेटा, तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 25% एस और पी 3 बेटा। तो एस का जो परसेंटेज है, एस का परसेंटेज कितना आ जाएगा बेटा, एस इक्वल टू आ जाएगा 25%, यानी कि एस का जो परसेंटेज है कितना आया 25% आया, ठीक है? समझ में आया कैसे निकालेंगे बेटा? तो यहाँ पर जैसे मैं बात करता हूँ तो ये sp2 हाइब्रिड है। sp2 हाइब्रिड कैसे बेटा, एक तो हम लोग डायरेक्ट सीखे थे, दूसरा सीख सकते हैं, यहाँ पर 2H 2 सिग्मा बॉन्ड और डबल बॉन्ड में क्या होता है बेटा, एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है, ठीक है? ये प्रीवियस वीडियो में हम लोग देख चुके हैं, मतलब इससे पहले जब BOC स्टार्ट किए थे बेटा तो पहले ही लेक्चर में हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। तो 3 सिग्मा आने पर sp2 हाइब्रिड। यहाँ पर अगर इस परसेंटेज की बात की जाए या इस करेक्टर की बात की जाए तो मैं क्या करूँगा, पहले तो ओवरऑल 100 बेटा, और यहाँ पर कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, एक एस का है 2 पी के हैं, तो डिवाइड बाई 3, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 33.33 आ जाएगा।
ठीक है, ऐसे में यहाँ पे ये इस करेक्टर निकालूंगा तो इसका बेटा एसपी हाइब्रिडाइजेशन है 100 डिवाइड बाई 2 तो कितना आ जाएगा बेटा 50% आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं एस करेक्टर की बात करता हूँ तो एस करेक्टर इसमें देखें सबसे ज़्यादा किस में बेटा, तो एसपी में ज़्यादा होता है। अब एस करेक्टर क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस न्यूक्लियस के पास में सबसे पास में कौन रहता है बेटा, एस रहता है, उसके बाद बेटा पी रहता है, ठीक है, उसके बाद पी रहता है, फिर ऐसे डी रहता है बेटा, उसके बाद डी रहता है बेटा। तो हमारे पास जो एस है वो एस और जो एस ऑर्बिटल होते हैं वो न्यूक्लियस के सबसे क्लोजर होते हैं, मतलब न्यूक्लियस क्या करता है उनको खींचता रहता है बेटा। तो यहाँ पर हम लोग बता सकते हैं कि अगर एस करेक्टर ज़्यादा आता है तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी क्योंकि वो ज़्यादा न्यूक्लियस से अट्रैक्ट रहेंगे, ये भी बता सकते हैं बेटा, हम लोग बॉन्ड लेंथ को यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने सिंपल सा एक क्वेश्चन दिया CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड H, मैं अभी बाद में बात करता हूँ, एस करेक्टर की पहले बात कर लेता हूँ फिर मैं अभी बॉन्ड लेंथ की बात करता हूँ बेटा। तो एस करेक्टर कैसे एस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इंक्रीज करता है बेटा, तो यह सबसे ज़्यादा न्यूक्लियस के क्या होता है बेटा क्लोजर, तो जितना ज़्यादा क्या होगा बेटा एस करेक्टर आएगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर उतनी ज़्यादा हो जाएगी, मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर उतनी ज़्यादा हो जाएगी। जबकि देखो यहाँ पर कार्बन एटम सेम है बेटा, कार्बन एटम सेम है फिर भी अगर पूछा जाए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है बेटा, इसकी ज़्यादा होगी। जैसे मैं यहाँ से एक एक एस निकाल दूँ, देखो ये ऑर्डर आ जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, मैं एक ऑर्डर यहाँ पे निकाल दूँ, एक एच निकाल दिया एस पे क्या आएगा बेटा, एस प्लस निकाल दिया निगेटिव, एक एच यहाँ से निकाल दिया निगेटिव, एक एच यहाँ से निकाल दिया निगेटिव। अब मैं पूछूँ ये निगेटिव चार्ज किस पे सबसे ज़्यादा स्टेबल है बेटा, तो इलेक्ट्रॉन तो वही रख सकता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर ज़्यादा होती है, यहाँ तो कार्बन 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 सेम है। तो अब बात ये आती है यहाँ पर पूछा जा रहा कि किस पे इलेक्ट्रॉन रखने की, जो कार्बन है कौन ज़्यादा होल्ड अप कर सकता है, कौन अच्छे से उन इलेक्ट्रॉनों को रख सकता है, तो आंसर आ जाएगा बेटा ये सबसे ज़्यादा ये कर सकता है, फिर ये सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होगा यहाँ पे, क्यों, क्योंकि इसका एस करेक्टर ज़्यादा है और एस करेक्टर ज़्यादा है उस तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर ज़्यादा हो जाएगी। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस करेक्टर। ठीक है, एक तो हम लोग नॉर्मल सीखते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इस साइड पीरियोडिक टेबल में मेटल्स होते हैं, इस साइड नॉन मेटल होते हैं बेटा, तो मेटल टू नॉन मेटल जाते हैं तो क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर इंक्रीज करती है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है। एक तो वो पॉइंट होता है हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, दूसरा हमने सीखा कॉन्सेप्ट है एस परसेंटेज का, कि अगर एस परसेंटेज ज़्यादा आएगा तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर ज़्यादा हो जाएगी। एस परसेंटेज निकालते कैसे वो मैंने आपको दिया बेटा ओवरव्यू, ठीक है, एकदम क्लियर। एक और होता है कि एटम सेम हो फिर भी इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर ज़्यादा हो जाती है, जैसे मैंने सी और एफ की बात कर ली, ठीक है, यहाँ पर सी एफ थ्री हमारे पास लगा है और मैंने बात कर ली यहाँ पर, ठीक है, Cl। तो मैं बात करूँ यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर ज़्यादा होगी या इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर ज़्यादा होगी, ठीक है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर ज़्यादा होगी या इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर ज़्यादा होगी, तो मैं यहाँ पर कहता हूँ कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर ज़्यादा होगी, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचेगा बेटा, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन यहाँ पर खींचेगा। मैं बॉन्ड ऑन तोड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी इसमें केस आता है कि कौन ज़्यादा एसिडिक है, वो आगे रेजोनेंस से आता है बेटा, वैकेंडी ऑर्बिटल वाला केस, वो बहुत अभी हम लोग आगे जियोसिम पढ़ेंगे। तो अभी मैं ये बता रहा हूँ कि अगर एटम सेम होते हैं तो पास वाले अगर एटम क्या होते हैं उसको इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट बना दें, मतलब उसके इलेक्ट्रॉन खींच लें अपनी तरफ। फ्लोरीन हाईली हमको पता है पाउलिंग स्केल के अकॉर्डिंग फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बेटा, तो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, अगर फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये अपनी तरफ खींच लेगा, और जब ये इन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को जब अपनी तरफ खींच लेगा तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो जाएगा, जिसके कारण इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर बढ़ जाएगी, मतलब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को ये अपनी तरफ खींचने लगेगा। तो ऐसे कई सारे ग्रुप्स होते हैं जो क्या करते हैं एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर को बढ़ा देते हैं बेटा। तो इसी के लिए हम लोग क्या करते हैं खूब अच्छे से सीख के आते हैं बेटा, वैन डर वाल फोर्स है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना, बॉन्ड लेंथ हम लोग कैसे कम ज़्यादा करते हैं बेटा, ये सारे टॉपिक हम लोग डिस्कशन भी करेंगे, ऐसा नहीं कि ऑर्गेनिक में डिस्कशन नहीं करेंगे बेटा, लेकिन इनका कोई भी टॉपिक हमें अच्छे से तब समझ में आता है जब उसके एप्लीकेशन हम लोग देखते हैं, जब उसका हम यूज़ देखते हैं। तो जब यहाँ पर जहाँ पर हम लोग इसके एप्लीकेशन देखेंगे, जहाँ इसकी ज़रूरत पड़ेगी वहाँ हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे वैन डर वाल फोर्स की बात आती है तो वैन डर वाल फोर्स काफ़ी वीक फोर्स होता है, उसमें भी कई टाइप्स होते हैं, जैसे हमारे पास आता है आयन डायपोल फोर्स का है ना, दूसरा आता है हमारे पास डायपोल डायपोल फोर्स होता है, तीसरा हमारे पास आयन इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स होता है, जैसे मैं नेक्स्ट की बात करूं तो हमारे पास डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स होता है, लास्ट में इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड होता है बेटा।
तो ये क्या है, काफ़ी ज़्यादा, जैसे इसको मैं लंदन फोर्स भी बोलता हूँ, तो ये काफ़ी ज़्यादा बीक है, मतलब इसको हम बीकेस्ट भी बोल सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा बीक होता है, तो ये सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है, ठीक। पर ये सारी बातें हम लोग अच्छे से तब करेंगे जब इनके एप्लीकेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये इन चीज़ों की, जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड है बेटा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसके साथ बनता है, हम लोग पढ़ते हैं केमिकल बॉन्डिंग में कि जब हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन इज डायरेक्टली अटैच विद मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट आप लिख हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट बेटा, ठीक है। जैसे यहाँ पर CF3 से जुड़ गया, CCl3 से जुड़ गया, ठीक है, CN से जुड़ गया, तो ऐसे कई सारे ग्रुप होते हैं जिनके साथ, जिनकी इलेक्ट्रोनिगेटिव पावर लगभग 3.0 मतलब लगभग 3 के करीब हो जाती है किसी भी कारण बस। जैसे यहाँ पर 3 F लगे हैं, तो कार्बन को अभी मैंने बताया क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट बनाएगा, तो कार्बन को क्या कर देगा, पोलर कर देगा, जिससे ये एच बॉन्ड बना सकता है। तो ये सारे टॉपिक अच्छे से समझने हैं तो आपको केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लेनी है, ठीक है, अच्छे से पढ़ लेनी बेटा, केमिकल बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएंगी। बाकी हम लोग ऑर्गेनिक में भी पढ़ेंगे, लेकिन कब, जब इनके एप्लीकेशन, जब इनका यूज आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इसको ख़त्म करते हैं बेटा। तो हम लोग एस कैरेक्टर सीख चुके हैं, एस कैरेक्टर समझ में आया बेटा कैसे निकालते हैं, तो एस कैरेक्टर ज़्यादा होता है तो उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिव पावर ज़्यादा होती है बेटा, और जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिव पावर ज़्यादा होती है उसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। तो अगर एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, न्यूक्लियस के पास ज़्यादा रहेंगे, अगर पास ज़्यादा रहेंगे तो बेटा, अगर बॉन्ड लेंथ के टर्म में बात करता हूँ तो उसका बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा बेटा, छोटा हो जाएगा। तो अगर एस परसेंटेज ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे बेटा, न्यूक्लियस के ज़्यादा पास आएंगे, तो जिससे बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा, ठीक है। बाकी बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, हर एक टॉपिक के बारे में हम लोग इन टॉपिक्स को किस में बेटा अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, केमिकल बॉन्डिंग में, ठीक है। मैं छोटा सा यहाँ पर एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूँ आपको कि बॉन्ड लेंथ का जो है ऑर्डर क्या आएगा, ठीक है, यहाँ तक हो गया। तो देखिए क्या करते हैं बेटा, अब जैसे ए बी सी, इसमें पूछा गया है बॉन्ड ए, बॉन्ड बी और सी, यानी कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो देखो बात करते हैं सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में। तो बेटा सिंगल बॉन्ड में क्या होगा, दो न्यूक्लियस पास आ रहे होंगे बेटा, एक एक इलेक्ट्रॉन आया होगा और आपस में क्या हुआ बेटा, एक अट्रैक्शन फोर्स से ऐड हो गया। बॉन्ड क्या होता है बेटा, अट्रैक्शन फोर्स होते हैं। अब जब डबल बॉन्ड बनेगा किसी भी एटम्स के बीच में, तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अप्रोच करेंगे, एटम ज़्यादा पास जाएगा, न्यूक्लियस ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्लोजर हो जाएंगे बेटा, तो ज़्यादा क्लोजर हो जाएंगे तो उससे बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी अच्छे से फील करना है तो केमिकल बॉन्डिंग में जाना है बेटा, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड में। बाकी अच्छे से क्या बेटा, अभी तो समझ में आ ही रहा होगा बेटा, जैसे ट्रिपल बॉन्ड बनाना है, अब दो एटम्स के बीच 3 बॉन्ड बनेंगे, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे बेटा, अप्रोच करेंगे, जाके ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, तो जब ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे बेटा, ज़्यादा क्लोजर हो जाएंगे, जिससे कि क्या होगा बेटा, बॉन्ड लेंथ और भी कम हो जाएगा। तो हम सिंपल सा क्या करते हैं बेटा, एस परसेंटेज ज़्यादा, बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा, बस इसी टेक्निक से हम लोग आराम से क्या कर सकते हैं बेटा, क्वेश्चन बता सकते हैं। मैं इसका ओवरव्यू इसलिए बता रहा हूँ यहाँ पर, ये छोटी छोटी बातें इसलिए बता रहा हूँ कि कई बार जैसे हमने देखा है MSc आप सॉल्व करेंगे या अच्छी बुक कोई भी सॉल्व करेंगे, उसमें एक दो आपको क्या होगा बेटा, क्वेश्चन दिए जाते हैं, जैसे सोलमन फ्राइज आप करते हैं बेटा, तो ज़्यादा देखते हैं बेटा उसमें क्वेश्चन इस टाइप के रहते हैं। तो ठीक है, पहली बात करता हूँ, तो ए बी सी बॉन्ड लेंथ का बताना बेटा ऑर्डर, तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड क्या होता है बेटा, ज़्यादा बड़ा होता है डबल बॉन्ड से, और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। बॉन्ड लेंथ अगर हमको पता होती तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी आराम से एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा बॉन्ड छोटा होगा उसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी उतनी ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी। तो हम लोग अभी बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं, तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, सिंगल, ठीक है, सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ पर तो सभी के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो कैसे बताएंगे बेटा, तो काफ़ी ज़्यादा आसान है, बस इसका हाइब्रिडाइजेशन देखना है, इसका क्या जाएगा बेटा, सारे के सिंगल बॉन्ड है sp3, यहाँ डबल बॉन्ड है तो sp2, या फिर हम लोग सिग्मा बॉन्ड से करते हैं बेटा, 4 सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पर, 2 ये, 1 3 4, ये अच्छे से अब तो बेटा आना चाहिए, एकदम फास्ट आना चाहिए। ये sp3 में अगर हम बात करते हैं परसेंटेज की, एस करेक्टर की 25% होता है, इसमें कितना होता है बेटा 33.33%, और इसमें बात करते हैं तो 50% होता है। एस करेक्टर ज़्यादा, इलेक्ट्रोनिगेटिव पावर ज़्यादा, बॉन्ड लेंथ छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, ये हो जाएगा, जिसका एस करेक्टर कम होगा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास कम जाएंगे बेटा, तो आसानी से बॉन्ड क्या होगा बेटा, बड़ा हो जाएगा। ए और बी, इसमें बात करते हैं ए बी, तो यहाँ पर मैं ये दोनों क्वेश्चन हटा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, ए बी की बात कर लेते हैं। तो ए और बी में बेटा सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, खट से आंसर क्या बेटा, ए बी, ए बी, sp2 डबल बॉन्ड, तो बेटा क्या आता है sp2, ये बेटा sp हो जाता है, ट्रिपल बॉन्ड में क्या sp, तो क्या आ जाएगा आंसर, ए एंड बी, क्योंकि यहाँ पर एस करेक्टर ज़्यादा तो ये बॉन्ड छोटा हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर ज़्यादा, बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा बेटा, ठीक है। यहाँ पे मैं बात करता हूँ ए बी सी, खट से आंसर, सिंगल बॉन्ड बेटा, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड में फिर से वही sp, sp2 एंड sp3,
क्लियर एकदम, काफ़ी ज़्यादा आसान है, इसको भी मैं रफ कर दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन से बात करते हैं इसकी बेटा, तो ठीक है, तो यहाँ पर ए एंड बी में कंपेयर है बेटा, तो ये हमारे पास फिर से देखेंगे, ये sp2 से जुड़ा हुआ बेटा, और ये वाला जो है यहाँ पर sp3 हाइब्रिड है, तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा, sp3 वाला ज़्यादा बड़ा होता है sp2 वाले से, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर ज़्यादा होगी तो ये ज़्यादा कस के खींचेगा, तो बी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा बेटा ए से। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पास फोर्थ एंड फिफ्थ, ये बेटा ए एंड बी, तो यहाँ पर फिर से ये हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, एक लोन पेयर होगा यहाँ पर नाइट्रोजन के पास में, एक बॉन्ड दो बॉन्ड एक एच तीन बॉन्ड एक लोन पेयर, तो sp3 हाइब्रिड है, निकालना आता है लोन हाइब्रिडाइजेशन, हम लोग कैसे निकालते हैं एक्चुअल लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, ठीक है, कैसे निकालते हैं लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर हाइब्रिडाइजेशन को निकालते हैं बेटा, ठीक है, तो यहाँ पर इसके पास भी एक लोन पेयर है, तो इसका क्या आ जाएगा बेटा sp2 आ जाएगा, सिग्मा बॉन्ड हम लोग देखते हैं, बॉन्ड पेयर में क्या देखते हैं बेटा सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, तो यहाँ पर sp2 sp3, तो कौन सा हो जाएगा बेटा sp3, यानी कि a ग्रेटर देन b हो जाएगा, सही है, a ग्रेटर देन b, एकदम क्लियर बेटा, जितना s करेक्टर कम होगा उसकी बॉन्ड लेंथ उतनी ज़्यादा हो जाएगी, तो मैं यहाँ बात करता हूँ इस बॉन्ड की और इस बॉन्ड की, ठीक है, इसकी कंपेरिजन करना है, तो यहाँ पे बेटा ये है हमारे पास sp2 और जबकि ये हमारे पास sp3 हाइब्रिड, तो ये वाला जो बॉन्ड होगा sp2 हाइब्रिड वाला ये हो जाएगा हमारे पास छोटा और sp3 वाला क्या हो जाएगा बेटा बड़ा हो जाएगा, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है बेटा, आराम से बन जाएंगे ये ए भी, फिर से वही सेम क्वेश्चन एज ए, तो हम लोग क्या बता सकते हैं, ये सिंगल बॉन्ड बेटा ये sp3 हाइब्रिड है, ठीक है, और ये हमारे पास sp2 हाइब्रिड है, तो क्या आ जाएगा आंसर, sp3 अगर ये हाइब्रिड है तो यहाँ पर a ग्रेटर देन b हो जाएगा sp2, ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है हम लोग केमिकल बॉन्डिंग टॉपिक को पढ़ेंगे, ज़्यादा यूज करना है तो इसके एप्लीकेशन हम लोग कहाँ पढ़ेंगे बेटा, जैसे जैसे टर्म्स आते रहेंगे वहाँ पर पढ़ेंगे, जैसे रेजोनेंस आता है बेटा वहाँ पर हम लोग उसके यूजेस देखते हैं, ठीक है, तो हम लोग इसको यहाँ ख़त्म करते हैं बेटा, ठीक है।